हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चंस आपको बताएंगे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपने सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपने इन्हीं क्वेश्चंस को पक्का करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। लेकिन जो क्वेश्चंस हम आपको टिक नहीं करवाते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप चेक करेंगे, उनको भी आपने पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उनकी तैयारी आपने पहले करनी है। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, सभी वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में आप क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स है और अभी हमने आपको बताया कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें हमेशा अच्छे से तैयार करना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के भी सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 से पहले पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल 1 है, इसके सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कुछ एक्सरसाइजेस इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स कि आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सभी पार्ट्स आपको अच्छे से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम तो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा। इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेज ऐसी है स्टूडेंट्स जिनमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमओएस क्लास 7th मैथ की जो बेसिक वीडियोज़ है सभी एक्सरसाइजेज की, उसे ज़रूर देखें। उनमें हमने बहुत ईजी मैथड से और बहुत डिटेल में इन प्रॉपर्टीज़ को समझाया है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एमओएस क्लास 7th मैथ के वीडियोस ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत इजी मेथड से और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 से पहले पेज नंबर 19 पे स्टूडेंट्स दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। आप इन दोनों एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट एच, पार्ट आई और पार्ट जे को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स अच्छे से तैयार करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट जी, पार्ट एच और पार्ट आई, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो क्वेश्चंस हमने आपको टिक कराए हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, इन क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चंस टिक नहीं हुए हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।